आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के चीफ द्वारा दिए गए एक स्टेटमेंट के बारे में। वायुसेना चीफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी सर ने कहा है कि भारतीय वायुसेना को अर्जेंटली 5 से 6 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स चाहिए। देखिए, ये स्टेटमेंट कोई नया स्टेटमेंट नहीं है, वीआर चौधरी सर ने ये चीज पहले भी कई बार कही है, लेकिन यहाँ पर भारतीय वायुसेना के ऑप्शंस और फ्यूचर के बारे में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि अर्जेंट फाइटर जेट रिक्वायरमेंट क्यों है। देखिए, भारतीय वायुसेना की सैंक्शन फाइटर जेट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42 की है, यानी कि वायुसेना के पास में 42 स्क्वाड्रन में फाइटर जेट्स होने चाहिए, लेकिन इस समय भारतीय वायुसेना के पास में केवल 31 स्क्वाड्रन में ही फाइटर जेट्स हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है वो इन 31 स्क्वाड्रन में अवेलेबल MiG-21 है। इन 5 से 6 स्क्वाड्रन को आने वाले 2 सालों के अंदर भारतीय वायुसेना को रिटायर करना है, और इन स्क्वाड्रन को फिलअप करने के लिए जो रिक्वायरमेंट रेस की गई थी उसके लिए LCA तेजस Mk-1A का ऑर्डर भारतीय वायुसेना की तरफ से काफी समय के बाद दिया गया था। हालांकि उसका जो कारण था वो था प्राइस नेगोशिएशन। भारतीय वायुसेना और HAL मिलकर इन फाइटर जेट्स की कीमत के ऊपर सहमति नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अगर आज भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा जाता है कि उनको अर्जेंटली 5 से 6 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, तो ये रिक्वायरमेंट किसी भी तरीके से पूर्ण नहीं की जा सकती है। देखिए, फाइटर जेट्स को अक्वायर करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और अगर आज किसी फाइटर जेट को सेलेक्ट किया जाता है तो उसको भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करने के लिए कम से कम 36 महीने की आवश्यकता होने वाली है, और ये 36 मंथ्स की टाइमलाइन तब पॉसिबल है जब आपके पास में एक स्टेबल प्रोडक्शन लाइन है एक एग्जिस्टिंग फाइटर जेट की। वहीं पर अगर आप एक फाइटर जेट को स्क्रैच से डेवलप कर रहे हैं तो आपको 200 साल लग जाते हैं, और अगर आप डेवलपमेंट प्रोसेस के मिड में हैं तब भी आपको प्रोडक्शन इश्यूज सॉल्व करते करते 5 से 6 साल का समय लग जाता है, क्योंकि फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वहीं पर अगर भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना को ये चीज काफी समय से पता है कि उनकी रिक्वायरमेंट 5 से 6 स्क्वाड्रन की है, और ये रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। हालांकि MiG-21 का रिप्लेसमेंट LCA तेजस Mk-1A है, लेकिन हमेशा बात की जाती है रफाल फाइटर जेट की। देखिए, प्रैक्टिकली यहाँ पर 2 अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट है, और इनको आम तौर पर मिक्स करके बोल दिया जाता है। अगर MiG-21 की रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो वो चीज सेट है, क्योंकि LCA तेजस Mk-1A के ऑर्डर दिए जा चुके हैं और उसका प्रोटोटाइप ऑलरेडी टेस्टिंग कर रहा है। रही बात प्रोडक्शन की, तो जैसा कि भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑर्डर देने में डिले की गई थी, तो उसी हिसाब से इसके डिलीवरी में भी साल 2024 लग जाएगा। रही बात MRFA की या रफाल की, तो उसको लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से पिछले कुछ समय से कुछ भी काम नहीं किया गया है। इनफैक्ट इसका एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी तक अभी तक तैयार नहीं किया गया है, और अगर AON ही अप्रूव नहीं हुआ है तो इस रिक्वायरमेंट को अर्जेंटली कैसे एड्रेस किया जाएगा। देखिए, जिस साइज की प्रोक्योरमेंट रफाल को लेकर होने वाली है, उतनी बड़ी कैपिटल एक्विजिशन में आपको पहले एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अप्रूव कराना होता है, जिसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो रक्षा मंत्री के नीचे होती है, उसके द्वारा दिया जाता है। और एक बार जब एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अप्रूव करा ली जाती है, उसके बाद कहीं जाकर कमर्शियल नेगोशिएशन शुरू होती है। यानी कि यहाँ पर MRFA को लेकर अभी तक इनिशियल स्टेप्स ही नहीं लिए गए हैं, और यही कारण है कि मैंने एक अपना पर्सनल रूल बनाया है कि जब तक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इस चीज को अप्रूव नहीं किया जाएगा, मैं MRFA के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। हालांकि वीआर चौधरी सर के स्टेटमेंट को लेकर कई चीजें मिक्स की जा रही थी, और इस वजह से जरूरी था कि इस टॉपिक को यहाँ पर थोड़ा टच किया जाए। रही बात कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि LCA तेजस Mk-2 रफाल वाली रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर सकता है। देखिए, अगर देसी सॉल्यूशन ही ढूंढना था तो LCA तेजस Mk-2 के अप्रूवल में इतना समय नहीं लगता। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर साल 2017 की एक न्यूज का स्क्रीनशॉट है, और इसमें आप देख सकते हैं कि उस समय के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर सर की तरफ से कहा गया था कि भारत MRFA के तहत एक सिंगल इंजन फाइटर जेट को भी अक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, और तब तक LCA तेजस Mk-2 को पूरी तरीके से अप्रूव नहीं किया गया था। उनकी तरफ से स्टेटमेंट में ये चीज कहा गया है कि Mk-2 एज एन ऑप्शन ओपन रखा गया है, लेकिन तब उसको अप्रूवल नहीं मिला था। बाद में ये सो कॉल्ड सिंगल इंजन फाइटर जेट F-21 और Gripen-E नाम से मार्केट में आए थे, लेकिन थैंकफुली वायुसेना ने ये चीज रियलाइज की थी कि इस रिक्वायरमेंट को देश में ही पूर्ण किया जा सकता है, जिसके बाद LCA तेजस Mk-2 प्रोग्राम को केवल एलोंगेटेड तेजस ना बनाकर एक नए डिजाइन के तौर पर विकसित किया गया था। वैसे क्षमताओं में ये फाइटर जेट काफी ज्यादा केपेबल होगा, लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि इसका डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है, और जब तक फाइटर जेट पूरी तरीके से डेवलप होके
अपनी टेस्टिंग कंप्लीट करके प्रोडक्शन में नहीं चला जाता है तब तक प्रैक्टिकल प्लानर्स उसको कंसिडर नहीं करते हैं, और यही चीज हो रही है LCA तेजस मार्क टू और रफाल के केस में। ओवरऑल जिस तरीके से स्लो एक्विजिशन प्रोसेस भारतीय वायुसेना का रहा है उसके चलते आने वाले कुछ और समय तक भारतीय वायुसेना की तरफ से बार बार ये चीज कही जाती रहेगी कि उनको अर्जेंटली 5 से 6 स्क्वाड्रंस की आवश्यकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।